सुबह देर से उठना एंड ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना एंड और भी बहुत कुछ। यस, आई वॉज विक्टिम ऑफ दिस गुड हैबिट सिंस लास्ट फ्यू वीक्स। अब पूछोगे नहीं क्यों, बिकॉज की पूरी सिटी में सारे कॉलेजेस इवन सारे स्कूल्स भी ऑफलाइन चल रहे थे, बट द एक्सेप्शन इज यू नो इट्स वेरी वेल सिटी है। तो यार अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं तुम्हें अभी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यही वो सही समय था, नहीं यही वो शुभ समय था जब इन सभी गुड हैबिट्स को बैड हैबिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता था, बिकॉज द कॉलेजेस इज नाउ ऑफलाइन, नाउ ऑफलाइन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी, आई होप यार यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। अब आई नो कि यार वीडियो काफी लेट हो गई है, बट आने को दिए वीडियो लास्ट वीक ऑफ फेब में भी आ सकती थी। एक सेकंड, अभी तो अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है, पूरा एक महीना लेट। एक सेकंड बता रहा हूँ। All the BTech first year students are hereby notice date. First semester final theory examinations are scheduled shortly. All the students are instructed to prepare accordingly. Timetable will be circulated shortly. अब आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वीडियो इतनी लेट क्यों हो गई थी। अब तुम ये मत सोचना कि मैं एक महीने से पढ़ाई कर रहा था, ओके? Never. But anyway, let's start the video. सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारा ऑफलाइन कॉलेज शुरू हो चुका है, आपको वातावरण के अंदर भी चेंज दिख रहा होगा, राइट? फाइनली एक से डेढ़ महीने बाद हमारा ऑफलाइन कॉलेज शुरू हो चुका है, तो आज मैं अपना पूरे डे का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ एक व्लॉग के थ्रू शेयर करना चाहूंगा। एक व्लॉग के थ्रू शेयर करना चाहूंगा, सो आई होप यू लाइक इट। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। तो जनाब अब हम निकल पड़े थे वो काम करने जो कि पिछले दो महीनों से लगभग हमने नहीं किया था, डे टाइम इन क्लासेस अटेंड करने। ओके, तो अब हम सीधे निकल पड़ते हैं डिपार्टमेंट की ओर। तो यार अभी हम उस स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पर फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगनी होती है, बट मेरा एक भी क्लास अटेंड करने का मन नहीं है, बिकॉज की मैंने एक भी एक असाइनमेंट जो है वो टाइम पर सबमिट नहीं करवाया है। और फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास भी से अटेंड नहीं करी है अच्छे से। ठीक है, तो एक भी ऑनलाइन क्लास मैंने अटेंड नहीं की है, सो काफ़ी फट रही है यार। तो अब हम डिपार्टमेंट की एक झलक को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन हमारी जो खुशी थी वो यहीं तक सीमित नहीं थी, उसको इतने ऊपर तक जाना था, बिकॉज कि जैसे ही हम क्लासेस के अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं क्या, ना तो वहाँ पर कोई स्टूडेंट है और ना ही कोई टीचर है। ठीक है, यही है वो तेजस्वी लोग। तो फिर क्या, देन हम सीधे निकल पड़ते हैं हमारे पुराने अड्डे पर, डे टाइम इन गार्डन। ओके, सो गार्डन पहुंचते बीच में हमें हमारे कुछ मित्र मिलते हैं। तो अब आप आपके दोस्तों से पूरे दो महीने बाद मिलते हो और आपके दोस्त कुछ इस तरीके की हरकतें ना करें तो वो दोस्तों में कुछ गड़बड़े समझ जाना। ये बॉय, स्मार्ट बॉय, ये नोटी बॉय, कितना बॉय, नोटी भी नहीं। तो यार अब हम जैसे ही गार्डन पहुंचते हैं हमें कुछ विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग दिखते हैं, और उन लोगों के जो चेहरे थे वो जाने पहचाने लगे थे। अब जाने पहचाने लगे भी क्यों ना, क्योंकि वो एक जमाने में हमारे दोस्त हुआ करते थे। ड्राफ्टर ड्राफ्टर होते थे, नहीं पता क्या बढ़िया था वो मैं बेच के खा गया तेरी, वो बेच गया ड्राफ्टर का। मेरा सर ये है हमारी फॉर्मर बिच्चू गैंग जिसका अभी करंट नेम है KTSU। इन्फिनिटी ग्रुप ही पढ़ा था ना एक बार, इन्फिनिटी ग्रुप ही था ने रखा था ये अपना। वो कहाँ गया दीपू जी, कब बात कर रहा? तो यार हमारे शांत चेहरे को देखकर ये बिल्कुल मत सोचना कि हम इसी तरह शांत बैठने वाले थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास नेवर। उधर नहीं, इधर बात करो, हमको हमको पार्टी चाहिए। कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, दे देंगे भाई, हमारी तरफ से पार्टी नहीं है भाई, हमको पार्टी चाहिए, देख कुछ भी हो पार्टी तो बनेगा। तो FS जाने का प्लान बन चुका है, चलो। तो यार अब मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे प्लान्स को बनने में जितना टाइम लगता है ना, उनको कैंसिल होने में उसका 1/4 भी नहीं लगता। अब आगे तुम मुझे यारो किसने बोला भाई पार्टी के लिए, किसने बोला ये भैया पार्टी देंगे हमको आज जरूर देंगे, ये भैया पार्टी देंगे, आज पहला दिन ऑफलाइन का, तो पहली बार पार्टी देंगे, स्कूल खुलने की पार्टी, कॉलेज है, मजा नहीं आ रहा, स्कूल खुलने की पार्टी। असदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, वो तो मतलब ये होता कि वो क्या है दीपक अभी स्कूल में ये कैसे मिला भाई तू ठीक है। तो यार काफ़ी देर बकवास करने के बाद हमारे पास कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है कि फाइनली हमारी मैकेनिकल की वर्कशॉप होने वाली है, तो फिर क्या होना था।
हमारी जो खुशी यहाँ पर थी उसको यहाँ पर आने में पल भर का समय भी नहीं लगा। तो यार मैकेनिकल वर्कशॉप जाते जाते हमें कहीं से चूल मचती है कि कुछ सिनेमेटिक वीडियो बनाई जाए, तो फिर क्या होना था। तो यार कैसा लगा सिनेमेटिक? अच्छा लगा ना, तो फिर चलो मैकेनिकल की वर्कशॉप की ओर। नहीं जाना। अरे भाई सुबह से एक भी क्लास अटेंड नहीं किया, अगर नहीं गए और घर पे पता चल गया ना तो जूते पड़ेंगे। चुपचाप चलो। अब यार फाइनली फ्री हो गए हैं, आज बारी पोपट हो गया है यार। पूरे दिन में सिर्फ एक क्लास अटेंड की है, वो भी मैकेनिकल के वर्कशॉप। ओके, ऐसे क्लासेस भी नहीं हुई थी, एक मैंने अटेंड नहीं की थी और बाकी क्लास भी नहीं हुई थी। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। आई होप यू लाइक इट। तो यार जनाब, वी होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये कौन बता रहे?